कालापक अरसी बेटा प्रार्थना चैप्टर रीड हो चुका सी, क्वेश्चन आंसर्स हो चुके सी लॉन्ग। उन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी तुसी की करना है कि ओनू भी एमसीक्यूज विच बना के लिखना है, ठीक है। वो थानू मैं असाइनमेंट सेंड कर दिया करांगी, तुसी सिर्फ ओनू फॉलो करया करना है, ठीक है। या तुसी थॉरली चैप्टर नू रीड करना है, ठीक है। थॉरली चैप्टर नू रीड कर लिया थानू कितों भी आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, तुसी आंसर ओदा दे सकदे हो, राइट, ठीक है। सो अज आप ये करेंगे वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर चाहे थानू तुसी कहोगे कि है एमसीक्यूज है, बट उस वे दे नाल भी काफी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है। सो पहला आप वो डिस्कस करते हाँ, आफ्टर दैट आप अगेतर करते हाँ, ठीक है। जो टाइम मिलिया तो तस्वीर वर्णन करांगे, ठीक है। तस्वीर वर्णन भी एमसीक्यूज आ सकता है, वो भी मैं तुम्हें दसवा कि किस तरह आ सकता है। पहला देखो है प्रार्थना लेख किसका लिखा होया है, हुण इहदियां भी चार ऑप्शन बन सकदियां ने बेटा, ठीक है। आना ही एमसीक्यूज है, ठीक है। पहला हो गया बलबीर सिंह, हर एक क्वेश्चन की आप ऑप्शन बनानी है हुण। दूसरा हो गया संत सिंह सेखो, तीसरा मोहन सिंह, चौथा ले लो आईसी नंदन, ठीक है। सो तुसी चैप्टर पढ़िया होएगा बलबीर सिंह, ठीक है। तो आंसर इज बलबीर सिंह, चैप्टर पढ़िया होएगा बलबीर सिंह बारे भी आ सकता है, जिस तरह कल अर्शीन ने दस्या सी जो उन्होंने सार शुरू किया सी, ठीक है। माता पिता का नाम दस्या सी, कित्थे जन्म होया है, राइट। क्योंकि हुण एमसीक्यूज बनाने नहीं तो एमसीक्यूज बनाने लई भी तो कुछ ना कुछ मैटर तो चाहिए ही चाहिए है ना, 40 मार्क्स से तुहानू एमसीक्यूज आने हैं, ठीक है। सो उहदे लई लिटरेचर और ग्रैमर दोनों दे विचों दी एमसीक्यूज बन सकते हैं, राइटिंग स्किल्स विचों भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, जिस तरह अंडीठी काव टुकड़ी मैं तुहानू पिछले वीक करवाई सी, ठीक है, उस तरह भी आ सकती है, राइट। पूरे का पूरा अंडिठा पैरा आ सकता है, जिदा थानू टर्म वन च आया सी, सॉरी पीटी वन च आया सी, ठीक है। ओदे विचों दी एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो राइटिंग स्किल्स ऐदा बनेंगी, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे थानू इस वारी नहीं होंगे, थानू टर्म टू च होंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव टर्म टू सब्जेक्टिव है, फर्स्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो अगे देखो है मनुख दी जिंदगी विच की जरूरी है, सेकंड क्वेश्चन मनुख की जिंदगी विच की जरूरी है, ठीक है। पहला इहदा बन सकता है मूह माया, इनू लिख लो बेटा, ठीक है। थोड़ी असाइनमेंट अपनी ही तैयार हो जाएगी, रफ कॉपी ते लिखना है, रफ ते लिख लो, फिर ते लिखना, फिर लिख लो, ठीक है। मूह माया, अरदास, पैसे, नौकरी। सो मनुख की जिंदगी विच की जरूरी है, रेज योर हैंड्स। Yes, Arshin. Ma'am, second option, Ardaas. हाँ जी, ठीक है जी, Ardaas जरूरी है। तो मैम मैं ना कहना सीगा मैम कि तुसी इस चैप्टर तुसी कह रहे सी कि तुसी असाइनमेंट सेंड करोगे, बट मैम तुसी एक बार प्रश्न भी सेंड नहीं कीती। ओके, आई थिंक मैं 10 सीट सेंड कर दी थी, कोई नहीं बेटा मैं थानू सेंड कर देवांगी, नो वरी, ठीक है। मैं कर देवांगी, तुसी सिर्फ इहदी ऑप्शंस लिखते जाओ, अपनी रफ कॉपी ते लिखते जाओ, क्वेश्चंस मैं बोली जा रही हूं, ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ 10 ਸੀਟ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਆਦਮੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है। ऑप्शंस लिख लो, बलबीर सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, थर्ड सुकरात, फोर्थ लिख लो सिकंदर, राइट। सब तो सियाना आदमी कौन है, कौन है जी सब तो सियाना आदमी? अशीन नु ही पता, बाकी किसी नु नहीं पता? मैम सुकरात। हाँ जी, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर थर्ड सुकरात, ओके। देन फोर्थ क्वेश्चन,
सुकरात ने जहर का प्याला की समझ के पी लिया सी? सुकरात ने जहर का प्याला की समझ के पी लिया सी? यस अशी, शरबत। हाँ जी, शरबत समझ के। एदिया भी काफी ऑप्शंस बन सकती ने। सुकरात किसका कायल सी? सुकरात किसका कायल सी? ऑप्शन सुन लो, शराब दा, पैसे दा, इंसान दा या अरदास दा। ठीक है, ऑप्शंस शराब दा, पैसे दा, इंसान दा या अरदास दा। सो सुकरात किसका कायल सी? अरदास दा कायल सी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस धर्म विच अरदास दी खास अहमियत है? धर्मां दे नाम लिखे जा सकते ने, पर ओदे विचों दी तुसी अपने चैप्टर दे अकॉर्डिंगली उस तरह दे हर एक धर्म विच अरदास कीती जांदी है। ठीक है, हर एक धर्म दी अपनी अपनी मानता है, पर आपां चैप्टर दे अकॉर्डिंगली हमेशा आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर की होएगा सिख धर्म विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केड़े केड़े मौके उपर अरदास कीती जांदी है? ठीक है, एदियां भी ऑप्शंस काफी सारियां बन सकदियां ने, तो जे थानू पता होएगा एदा सही आंसर, ब्याह वेले, शादी वेले, ठीक है, किसे दा काम शुरू करन वेले अरदास कीती जांदी है। राइट, खालसा ट्रैक सोसाइटी दा मुढ कदों बजिया? ये मैं थानू कल ऑप्शंस लिख के दिखाया सी। ठीक है, 1895, 93, 97 या 1890। तो राइट वन इज 1893। किने शुरू किया सी? वो भी ऑप्शन आ सकते हैं, बलबीर सिंह ने शुरू किया, प्रोफेसर पूरन सिंह ने शुरू किया, भाई वीर सिंह ने शुरू किया या शिव कुमार बटालवी ने शुरू किया। ठीक है, सो शुरू किने किया सी खालसा ट्रैक सोसाइटी? किसने शुरू किया सी? यानी वन पढ़ चुके हैं बच्चे आप। यस अशी, भाई साहेब, भाई वीर सिंह जी। हाँ जी, भाई वीर सिंह जी ने। ठीक है, सो नेक्स्ट है, देखो पहला ट्रैक्ट केड़ा सी? प्रार्थना। ठीक है, अरदास की है, अरदास की है। हुण एदे भी ऑप्शंस बन सकते ने, जिम्मेवारी, काम, फर्ज, नितनेम। ठीक है, हुण देखो ऑप्शंस आपस विच कोरिलेट हो रही ने। ठीक है, बट तुसी ओनो एग्जैक्ट चैप्टर दे विचो ही चकना है। हां जी कृतिका मैम, नितनेम, नितनेम। नो नो नो, चैप्टर दे अकॉर्डिंग ही बेटा अरदास। ओदा ते तुसी कहोगे कि हां ये चीजा नितनेम है ना, पर आपा चैप्टर दे अकॉर्डिंग ही लेना है। ओथे क्वेश्चन बने आ सकदा है, प्रार्थना पाठ अनुसार अरदास की है? इमानी, फर्ज। फर्ज है, ठीक है, नितनेम नहीं लिखा, फर्ज। ठीक है, गुड, फर्ज। ऐसा नहीं है, हुन एमसीक्यूस में हुन इन्हां नूं लाइटली ना लियो, क्योंकि उन्होंने इजी इजी ऑप्शन हुन नहीं पाणियां। ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड विच जाके इजी इजी तुहानूं की लगदा ऑप्शन पाणगे? बिल्कुल नहीं पाणगे, हमेशा ओहदे नाल कोरिलेट पाणगे, जिस तरह हुन है। ठीक है, तुसीं नितनेम कह दिता, जिम्मेवारी भी मिलता जुलता है शब्द, पर पर्टिकुलर शब्द की है फर्ज। ठीक है, सो इस तरह तुसी पिक करने ने। राइट, नेक्स्ट देखो, और तस्वीर वर्णन बेटा थोड़े सिलेबस है ही नहीं। ठीक है, अगे इश्तिहार होंदे सी ना, इश्तिहार होंगे से आप एडवरटाइजमेंट लिखते हैं, तो 9th विच भी सी, आई थिंक 8th विच भी सी। तो एक तस्वीर वर्णन रह गया सी जिहड़ा आपां पहला किया है, बट हुण दा जिहड़ा सिलेबस आया ना रीसेंटली उहदे विच तस्वीर वर्णन भी नहीं है। ठीक है, वो आपां करना ही नहीं है, जब है ही नहीं तो फिर आपां करना ही नहीं। ठीक है, तो नहीं करांगे। नेक्स्ट है, अरदास का उत्तर मिलना ही नहीं चाहिदा, यह किसने लिखा सी? कल आपां इहनूं लॉन्ग क्वेश्चन करके हटे हाँ। ठीक है, जस्ट इधर तुसी उस पर्सन का नाम देना है, ऑस्कर वाइल्ड। हाँ जी, ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट है, अरदास किसने पलेले कीती जांदी है?
अरदास किसके भले लिए की जाती है? अपने परमात्मा दे भले लिए, जीव जंतुआ दे भले लिए या सरबत दे भले लिए। ठीक है, तो अरदास आपां किहदे लिए करते हाँ? सरबत दे भले लिए। सुपोज जे उथे सरबत वर्ड ना आवे, सुपोज ते उथे वर्ड आ जावे लोकां दे भले लिए, ठीक है, फिर तुसी लोकां दे भले नूं चुनना है। ठीक है, जे मान लो कि इह वाला शब्द मिसिंग है उथे, ठीक है, सरबत की हुंदा है, लोक की हुंदे हन, फिर तुसी लोकां दे भले लिए चुनोगे। ठीक है, वैसे इदां होएगा नहीं, उथे करैक्ट दिता ही होएगा। नेक्स्ट है, सिख लई अरदास किसदा साधन है? किसदा साधन है सिख लई अरदास? ढहिंदी कला दा साधन, चढ़दी कला दा साधन, आमदन दा साधन। ठीक है, ओदे विचों दी केड़ा साधन है? हां जी प्रभगुण, प्रभगुण चढ़दी कला दा साधन। हां जी ठीक है जी, चढ़दी कला दा साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरदास करन नाल किना तो साडा खेड़ा छुट जांदा है, पिछा छुट जांदा है। जे आपां अरदास करदे हां तां साडा छोटापन, सोच दा छोटापन, साडा नकारापन, साडा छुट दिलापन, इन सारिआं तों छुटकारा हो जांदा है। नेक्स्ट 17, महाराजा रणजीत सिंह विच केड़े केड़े गुण सन? जालम सी, हमदर्द, निम्रता वाले। ठीक है, हुण इहदे विच भी देखो, बट ओ कई बार इदां हुंदा है कि मिलदे जुलदे उहनूं आपां इक्को ही लैंदे, फर्स्ट जिस तरह जालम, निम्रता वाले, कौमा हमदर्द। ठीक है, ये थोड़ी सेकंड ऑप्शन है। फिर आकड़ वाले फोर्थ ले लो, गुस्से वाले। ठीक है, उना दा किस तरह दा गड़तीरा से, राइट, तो की होएगा निम्रता भी है ते हमदर्द भी है। ठीक है, निम्रता हमदर्द अलग अलग आगे आ नहीं सकते वैसे, क्योंकि उन्होंने दोनों ही गुण सन। ठीक है, नेक्स्ट, महाराजा रणजीत सिंह औखे वेले की करते सन? अरदास। ठीक है, परमात्मा का नाम लेंदे सन। अगे है आकी कौन हो गया? आकी मतलब बागी, बागी कौन हो गया सी? ओ सरदार जिसनु महाराजा रणजीत सिंह ने कैद किया होया सी। ठीक है, वह पहला ताड़वी सी, फिर वह आकी हो गया। सरदार नू केड़े किले विच कैद किया गया? सरदार नू केड़े किले विच कैद किया गया? ग्वालियर, रोहतास, और कोई नाम ले लो। ठीक है, जिस तरह दिल्ली, मुंबई। ठीक है, पर्टिकुलर किले का नाम हूँ एकदम मेरे माइंड च नहीं आना, सो दैट्स व्हाई मैं एवरी ऑप्शंस लिख दिया। हां जी दीक्षा, रोल नंबर 11 मैम, रोहतास। हां जी ठीक है, गुड, रोहतास पे किले, राइट। नेक्स्ट है, सरदार किस विच विश्वास नहीं रखता सी? किस विच नहीं रखता सी? अरदास विच नहीं रखता सी, वो परमात्मा नू पहला पहला चंगा नहीं मानता सी। ठीक है, नेक्स्ट है, सरदार नू अन्न पानी कौन देन आंदा सी? अन्न पानी ऑप्शन बन सकदियां ने, महाराजा रणजीत सिंह, सरकारी नौकर, तीसरी वजीर ध्यान चंद, ठीक है, चौथा कोई होर ले लो उसका दोस्त। ठीक है, तो राइट वन इज सरकारी नौकर। ठीक है, नेक्स्ट है, समा कट्टण लई कैदी की कर रहा सी? कैदी की करदा पिया सीगा? अपने कुटिया दे जाले फरोड़ रहा सी, सफाई कर रहा सी। कैदी दे हाथ की लगा? ठीक है, एदियां ऑप्शंस बना लो, कैदी दे की हाथ की लगा? किताब, पानी, सोटी ते पोथी। कैदी दे हाथ की लगा? किताब, पोथी, पानी ते सोटी। की लगा सी कैदी दे हाथ? हां जी अर्शीन, पोथी। पोथी, ठीक है। हुण इत्थे देखो बेटा, किताब भी है ते पोथी भी है,
किताब ते पोथी विच बहुत अंतर है। किताब एक सिंपल जी बुक, पोथी मतलब जिहदे विच धार्मिक गल्लां लिखियां होईयां ने, ठीक है। तो पोथी कैदी परमात्मा नूं की कहिंदा है, भला बुरा कहिंदा है, उसनूं एक डरावना भूत समझदा है। शब्द पढ़ के कैदी नूं की प्राप्त होया, शब्द पढ़ के कैदी नूं की प्राप्त होया, ओनूं होर ज्यादा गुस्सा आया, ओनूं पछतावा होया, ओनूं आनंद प्राप्त होया, या ओ शर्मिंदा होया, ठीक है। कैदी नूं बहुत आनंद प्राप्त होया या महा सुख की प्राप्ति हुई, ठीक है। शब्दों के अर्थ समझने लिए कैदी ने किसनों बुलाया, ऑप्शन की आ सकती हैं, अध्यापक नूं बुलाया, ठीक है। शब्दों के अर्थ समझने लिए अध्यापक, ग्रंथी, महाराजा रणजीत सिंह या ध्यान चंद, किन्हां नूं बुलाया सी? हाँ जी इमानी, ग्रंथी ने। हाँ जी ठीक है, गुड, ग्रंथी नूं बुलाया सी, राइट। नेक्स्ट है पोथी पढ़ के कैदी का वर्तीरा किहो जिहा हो गया, कैदी का सुभा जिहड़ा सी ओह चेंज हो गया, ओहदे विच सारे गुण आ गए, निम्रता दा आ गया, उधारता दा आ गया, हमदर्दी दा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट महाराजा रणजीत सिंह ने किथे डेरा लाया, सुपोज आही वाले ओहदे ऑप्शनस ने, सो सही तां टिक लगा ही होया रोहतास दे किले विच, ठीक है। वजीर दा नां की सी, एनू ले लो, एदी जगह ते कुछ होर लिख लो, ठीक है। वजीर दा नाम की सी, की सी वजीर दा नाम, ए वाली ऑप्शन सी ले लो, एदे विचों दी तुसी चुनना है। यस इमानी, अन्यामी आंसर दे रही है, इट्स टू वेरी गुड इमानी। इमानी ध्यानचंद। हां जी ठीक है जी, वजीर दा नाम की सी? ध्यानचंद। ध्यानचंद, ओके गुड बेटा। नेक्स्ट, महाराजा ने किस नू कैद तो छुटकारा दिवाया, एक पारे कैदी नू जिसने बहुत सारे जुल्म किए हुए सन, महाराजा ने कैदी नू केहड़ी उपाधि देने लई कहा, सरदार दी, ताड़वी दी, आकी दी या महाराजे दी? केड़ी, सरदार दी, ताड़वी दी, आकी दी या महाराजे दी? केड़ी उन्होंने पदवी देने लई कहा सी ते उन्हें मनन तो इनकार कर दिता, केड़ी सी? हाँ जी अशीन, हाँ जी सरदार दी, ठीक है, सरदार दी उपाधि देनी क्या सी। परमात्मा दा नाम जपन नाल की नेड़े नहीं आंदा, बहुत वारी कर चुके हाँ, दुख दर्द कुछ नेड़े नहीं आंदा। कौन साडे नाल प्रेम करदा है, कौन साडे नाल प्रेम करदा है? माता पिता, दोस्त, गुरु या परमात्मा? इस चैप्टर दे अकॉर्डिंगली, वैसे तो साडे नाल सारे प्यार करते ने, है ना, पर प्रार्थना चैप्टर दे अकॉर्डिंगली साडे नाल कौन प्यार करता है? दोस्त, माता पिता, गुरु, चौथा है परमात्मा। साडे नाल कौन प्यार करता है प्रार्थना चैप्टर दे अकॉर्डिंगली? यस रवनीत कौर। गुड मॉर्निंग मैम, परमात्मा। हाँ जी ठीक है गुड, साडे नाल परमात्मा प्यार करता है, नो डाउट, बाकी भी प्यार करते हैं, ठीक है, पर चैप्टर दे अकॉर्डिंगली परमात्मा, वेरी गुड। सो नेक्स्ट है, परमात्मा नु पौण दी कुंजी केड़ी है? प्यार, प्रेम। मनुख ने अंत विच किथे जाना है, किथे जाना है? परमात्मा दे दरगाह विच जाना है। सेकंड लास्ट, परमात्मा दे घर विच किसदा निस्तारा होना है, साडे जिन्हें भी आप माड़े काम किए ने, ठीक है। लास्ट, मनुख का की फर्ज है, ठीक है, जिहड़ा आप पहला किया सी ना उही वाला ऑप्शन ले लो, मनुख का फर्ज की है? मोह माया नाल प्यार करना, लोकां नाल प्यार करना, लोकां नूं मारना या अरदास करना, ठीक है। सो मनुख का फर्ज की है? अरदास करना, राइट बेटा। इस नाल ऑप्शन से नाल हो गया थोड़ा, ठीक है। असाइनमेंट मैं थोड़ा सेंड कर देवांगी, ठीक है।
हूँ आप करते हाँ बच्चे अगेत्र ओके अगेत्र भी एमसीक्यूज ही आएंगे जस्ट वेट और हूँ बच्चे अगेत्र की कोई लिमिट नहीं आएगी जिस तरह आप किया ना कि मतलब एने पेज तो लैके एने पेज तक हूँ अगेत्र की कोई लिमिट नहीं आएगी अगेत्र जिहड़े मर्जी आ सकते हैं ठीक है सो नवी बुक के अकॉर्डिंगली आप पहला किते सी 25 ठीक है शाह तक किते सी राइट सो अज आप उतो अगे करते हाँ अगेत्र फेयर कॉपी ते फिलहाल रखन रही इनू रहन दियो जो थानू मैं ये रिलेटेड असाइनमेंट सेंड करांगी उनू तुसी लिख लियो ठीक है तुसी बस सुनना है और आंसर्स देने ठीक है हुण देखो अगेत्र बेटा थानू आ किदा सकदे ने ठीक है एक अगेत्र आ सकदा है ओदा मूल शब्द हुण अगेत्र कहंदे किनू है शब्दां दे अग्गे लगन वाले नूं आपां की कहंदे हां मूल अगेत्र कहंदे ठीक है इहदे विच इक हुंदा है मूल शब्द ठीक है आपां कीता सी ना पूरा टेबल बना के समासी शब्द विच ठीक है मूल शब्द किहड़ा जो उहनूं आपां तोड़ नहीं सकते ठीक है वह कंप्लीट हुंदा है उहदे तों अग्गे आपां होर शब्द जो रचदे हाँ रचित शब्द उहनां नूं आपां की कहंदे हाँ अगेत्र कहंदे हाँ ठीक है मूल शब्द का अपना मतलब है रचित का भी अपना मतलब है तो जो आप एक अगेत्र लिख लें हाँ तो ओदा भी कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए है ठीक है जिस तरह देखो नेक्स्ट है तुहानू सर सर की है एक मूल शब्द है ठीक है हम असं कहने हाँ ये तो सर लगा के होर अगेत्र बनाओ मूल शब्द तो यदि होर अगेत्र बनाने सरपंच ठीक है सरपंच हो गया सरहद हो गया आपा सर नूं अलग किया पंच नूं अलग किया पंच का भी मीनिंग होना चाहिए है ठीक है सर का तो है ही है या तुहानूं इदां आ सकता है कोई शब्द दे के सपोज सरहद है सरहद शब्द विचों दी तुसीं मूल शब्द चुनना है केड़ा होएगा सरहद शब्द विचों तुसीं मूल शब्द चुनना है केड़ा होएगा पता है किसे नूं सरहद शब्द विचों दी मूल शब्द चुनना है केड़ा होएगा यस अर्शी केड़ा होएगा मैम आई थिंक सर हां जी गुड ठीक है सर मूल शब्द है ठीक है इस तरह भी आ सकता है या जिस तरह आप पिछेत्र करते हाँ ओदे विचों दी पिछेत्र चुनना तुसी ठीक है ओदे विचों दी पिछेत्र चुनना फिलहाल आप अगेत्र की गल कर रहे हाँ सो सर मूल शब्द होएगा मूल शब्द हुंदा ए वाला ठीक है मतलब जितों आप होर अगे तो अगे अगेत्र रचते रहने हाँ शब्द बनाते रहते हाँ ठीक है नेक्स्ट है सरब ये बब्बे नाल भी है वावे नाल भी है ठीक है हुण मैं थानू कहां सरब व्यापक शब्द एदे विचों दी तुसी मूल शब्द चुनना है सो केड़ा होएगा सर्व व्यापक मूल शब्द हाँ जी अदिति सर्व हाँ जी ठीक है सर्व होएगा बेटा मूल शब्द ठीक है या सर्व तो होर अगेत्र बनाओ वह तो थानू आंदे ही हैं बनाने ठीक है एमसीक्यू सी आ गए तो इस तरह आ सकते हैं ठीक है या थानू मैं पहला भी दसा सी इहदियां टाइप्स किस तरह आ सकदियां ने इहदे एमसीक्यूज सुपोज पहला तो सर्व व्यापक है ठीक है सर्व का सही अगेत्र या सही मूल शब्द चुनो पहला हो गया यह दूसरा हो गया ध्यान नाल देखो इस तरह ठीक है सर्व व्यापक ठीक है या सर्व मौजूद ठीक है सो तुसी सही वाला चुनना है ओके हाँ जी नैना गुड मॉर्निंग मैम गुड मॉर्निंग बेटा मैम मूल शब्द का मतलब एक बार और बता दोगे मूल शब्द बेटा होता है
कि जेड़े ना ये अपने आप विच एक कंप्लीट सेंटेंस हुंदे ने इन्हां तो अगे आपां क्रियावां रचदे हां ठीक है जिस तरह आपां कहंदे हां डर हो गया डर तो आपां डरना करदे हां कर हो गया कर तो आपां करना करदे हां पढ़ हो गया पढ़ तो आपां पढ़ना करदे हां ठीक है ये ओ वाले शब्द ने मतलब एक शब्द जिन्हां तो अगे आपां होर रचित शब्द बना सकदे हां एक रचित शब्द सी ना तुसीं मूल शब्द भी कीता फिर तुसीं रचित शब्द दी डेफिनेशन भी कीती समासी दे विच ठीक है रचित शब्द की हुंदे हन शब्दां तो मूल शब्दां दे नाल होर अगो दी अगो वर्ड्स आपां क्रिएट करदे रहिंदे हां उहनां नूं आपां कहिंदे हां रचित शब्द ठीक है सो एक तुहानूं वर्ड गिवन होएगा इहदे विच तुसीं मूल शब्द लभणा है ठीक है जे तो अगे आपां शब्द बनाए हुण एक सर्व है आपां सर्व तो सर्व व्यापक बना दित्ता ठीक है राइट फोर बब्बे नाल भी आ सकता है ठीक है सर्व साज बना दित्ता आपां राइट इस तरह के वर्ड बना दिते हुण तुसीं इहदे विचों दी सर्व दे सही वाला अगेत्र चुनना है सो देखो ए वावा इत्थे बब्बा ठीक है ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੱਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ हम शकल शकल जिहड़ा होएगा रचित होएगा मतलब आपा हम तो अगे होर ज्यादा शब्द बनाने ने ठीक है हम तो हम दर्द हम शकल हम राही ठीक है हम जमाती हम नाम ओके इस तरह वाले नेक्स्ट है क एक है क एक है कु दोनों का अर्थ है बुरा ठीक है जिस तरह इधर आएगा है कुचज्जा मूल शब्द अलग करो कुचज्जा शब्द विचों दी मूल शब्द अलग करो सो मूल शब्द केड़ा होएगा कु ठीक है कु राइट ते कौर विच की आ गया आपा कबोल भी बोल दिंदे हां कुबोल भी बोल दिंदे हां कबोल कबोल की हुंदा माड़े बोल बोलना ठीक है एदे विचों दी क जड़ा है ओ मूल शब्द है ठीक है अलग हो गया या ऐसा आ सकता है चज्जा तुहानू एक वर्ड दिता जा सकता है चज्जा दे नाल अगेत्र केड़ा अगेत्र लगे ठीक है चज्जा शब्द नाल टुकमा मूल शब्द चुनो या एक शब्द चुनो हुण चज्जा दे नाल मान लो आ गया आ गया च आ गया अ आ गया उ आ गया ठीक है हुण तुसीं सारे बना के देखो चुचज्जा ते गलत हो गया मीनिंग नहीं बनिया अचज्जा भी गलत हो गया उचज्जा भी गलत हो गया सो बच्चा केड़ा कुचज्जा ठीक है सो कू जड़ा है वो सही है ठीक है इस तरह नाल नेक्स्ट है कम कम मतलब घट कम अकल कम जात ठीक है और आपा की कहने हैं कम चोर घट कम करता है राइट कम दिल है कम अकल है बददिमाग जिदा आपा कहने ना घट दिल का है तंग दिल भी आपा कहने हैं कम दिल भी आपा कहने हैं दोनों तरह ना ठीक है नेक्स्ट है कल कल होंदा है पैड़ा कल कल पैड़ा जिस तरह कलयुग चल रहा है बहुत पैड़ा युग चल रहा है ठीक है कल जोगण ਕਲਮੂਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੌਂਟਿੰਗ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਗੇਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਖੁਸ਼ਬੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਲੱਗੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕੰਮ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਰਾਈਟ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੈਰ 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 ਹੁੰਦਾ ਬੇਗਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ
और गैर रस्मी, गैर हाजर, राइट। नेक्स्ट है, लास्ट ही कर दे, बाकी आप बाद विच कर लवांगे, गुरु, गुरु, ठीक है, गुर तो गुरमुख, गुरगद्दी, राइट, और गुर गुरमुखी, ठीक है, जिहड़ी आपां साडी पंजाबी विच है, ठीक है, गुरु उपदेश, गुरमंत्र, गुरप्रसाद, गुरद्वारा, गुरप्रताप, ये सारे दे सारे वर्ड्स बन सकते हैं, राइट। इत्थे तक आपां गित्तर करांगे, ठीक है, इहदी भी असाइनमेंट आपां नाल दी नाल करिया करांगे, ओके जी।